नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पोको कंपनी के नए स्मार्टफोन पोको M2 प्रो स्मार्टफोन को लेकर बहुत दिनों से लीक्स डिटेल सामने आ रही थी। तो दोस्तों, आखिरकार पोको कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में उतार दिया है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने बढ़िया और अच्छे फीचर्स दिए हैं। तो दोस्तों, मार्केट में स्मार्टफोन की सीधी टक्कर रेडमी नोट 9 प्रो और रियलमी 6 स्मार्टफोन के साथ होने वाली है, क्योंकि दोस्तों पोको M2 प्रो स्मार्टफोन के अंदर भी आपको रेडमी नोट 9 प्रो और रियलमी 6 स्मार्टफोन के जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं और इस स्मार्टफोन का प्राइस इन दोनों स्मार्टफोन के आसपास रखा गया है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपके सामने यह सवाल आता है कि आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तीनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताएंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा, किस स्मार्टफोन के अंदर आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलेंगे और आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप एक बढ़िया अच्छा स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन तीनों स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन की, तो दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो और पोको M2 प्रो स्मार्टफोन का तो लुक और इसका डिजाइन बिल्कुल एक जैसा है और इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको बिल्कुल एक जैसे ही फीचर्स देखने को मिलेंगे, जबकि दोस्तों रियलमी 6 स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन अलग टाइप का है। तो दोस्तों, अगर इनके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने 6.67 इंच की फुल HD IPS LCD पंच होल नॉच डिस्प्ले दी है, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है और इसकी कॉर्निंग के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। जबकि दोस्तों बात की जाए रियलमी 6 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.5 इंच की फुल HD पंच होल नॉच डिस्प्ले दी है, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी 20:9 है। जबकि दोस्तों पोको M2 प्रो स्मार्टफोन की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको कंपनी ने रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल की तरह ही 6.67 इंच की फुल HD पंच होल नॉच डिस्प्ले दी है, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी 20:9 है। तो दोस्तों, अगर इन तीनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के डिफरेंस की बात की जाए तो दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो और पोको M2 प्रो स्मार्टफोन के अंदर आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जबकि दोस्तों रियलमी 6 स्मार्टफोन के अंदर आपको इनसे छोटी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और दोस्तों इन तीनों स्मार्टफोन के अंदर आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इन तीनों स्मार्टफोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बात की जाए इन तीनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की, तो दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने इसके बैक पैनल के ऊपर 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। जबकि दोस्तों बात की जाए रियलमी 6 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। जबकि दोस्तों बात की जाए पोको M2 प्रो स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। तो दोस्तों अगर इन तीनों स्मार्टफोन के कैमरा के डिफरेंस की बात की जाए तो दोस्तों फ्रंट कैमरा के मामले में तीनों स्मार्टफोन सेम है। तीनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों रियर कैमरा के मामले में रियलमी 6 स्मार्टफोन आगे है। इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि पोको M2 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों कैमरा के मामले में रियलमी 6 स्मार्टफोन आगे रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के वेरियंट्स के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल की, तो दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको मार्केट में 4 GB और 6 GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको माइक्रो एसडी कार्ड का भी स्लॉट मिल जाएगा। जबकि दोस्तों बात की जाए रियलमी 6 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको मार्केट में 4 GB और 8 GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर भी आप माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलेगा। जबकि दोस्तों पोको M2 प्रो स्मार्टफोन की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको कंपनी ने 4 GB और 6 GB की रैम दी है, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर इन तीनों स्मार्टफोन के वेरियंट्स की बात की जाए तो दोस्तों तीनों स्मार्टफोन के अंदर आपको दो दो वेरियंट देखने को मिलेंगे और इन तीनों स्मार्टफोन के अंदर आपको माइक्रो एसडी कार्ड का भी स्लॉट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 618 का GPU देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों बात की जाए रियलमी 6 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक हीलियो G90T का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको माली G76 का GPU देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों पोको M2 प्रो मोबाइल की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको कंपनी ने ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर भी आपको एडिनो 618 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर इन तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की डिफरेंस की बात की जाए तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में पोको M2 प्रो
प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन आगे रहेंगे। इनके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का बढ़िया अच्छा लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस देगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं इन तीनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5020 mAh की बढ़िया और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है। जबकि दोस्तों Realme 6 स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 30 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 43 mAh की बढ़िया और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है। जबकि दोस्तों पोको M2 प्रो मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000 mAh की बढ़िया और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है। तो दोस्तों अगर इन तीनों स्मार्टफोन की बैटरी की डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों बैटरी के मामले में रेडमी नोट 9 प्रो और पोको M2 प्रो स्मार्टफोन आगे रहेंगे। इनके अंदर आपको दोस्तों फास्ट चार्जर भी 33 वाट का मिल जाता है और इनके अंदर आपको बैटरी भी Realme 6 मोबाइल के मुकाबले बड़ी दी गई है, जिससे आपको ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्ग पावर बैकअप देंगे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का शुरुआती वेरिएंट आपको इंडियन मार्केट में लगभग 14,000 रुपए में मिल जाता है, जबकि दोस्तों रियलमी 6 स्मार्टफोन का शुरुआती वेरिएंट आपको लगभग 15,000 रुपए में मिलता है। और दोस्तों अगर पोको M2 प्रो स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का भी शुरुआती वेरिएंट आपको लगभग 14,000 रुपए के आसपास ही मार्केट में देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यदि इन तीनों स्मार्टफोन के फीचर्स को देखा जाए, तो दोस्तों अगर रियलमी 6 स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हटा दिया जाए, तो दोस्तों बाकी सभी फीचर्स इन तीनों स्मार्टफोन के अंदर आपको लगभग एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आपको इन कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।